दिस इज निशांत एंड आई वेलकम यू ऑल टू टी एफ एस टेलीग्राम प्लेटफॉर्म येस आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू अनाउंस द टीएफएस इज एक्सपैंड ऑन टू टेलीग्राम प्लेटफॉर्म आई एम नॉट से राइट फेसबुक टीएफएस फेसबुक ग्रुप हमेशा था हमेशा रहेगा जब तक फेसबुक रहेगा तब तक टीएफएस फेसबुक ग्रुप रहेगा बट अब हम एक्सपैंड कर रहे हैं टेलीग्राम पर यह हुई पहली बात अभी हम इसमें आएंगे कि क्यों कर रहे हैं वॉट्स अ वे गोइंग फॉरवर्ड यू नो इट माइट बी अ स्मॉल रूटीन थिंग फॉर एनी बडी कि टी uh, एफ या कोई भी ग्रुप फॉर दैट मैटर एक नए प्लेटफॉर्म पर आ रहा है बट फॉर मी इट्स एक्चुअली एन इमोशनल मूवमेंट यू नो जिसने कोई बीज बोया हो उसको सींचा हो उस पर मेहनत की हो और उसको प्लांट बनते हुए ट्री बनते हुए देखा हो उसके लिए ना उससे जुड़ी हर एक चीज बहुत इमोशनल हो जाती है तो मेरे लिए ये एक इमोशनल मूवमेंट है मतलब ऐसा लगता है कि अभी कि कली की बात है है ना एक एक छः साल हो गए 2017 में 2017 वी वी क्राफ्टेड टीएफएस फेसबुक ग्रुप एंड वी स्टार्टेड विथ फाइव हैव बीन मच मोर अगर हमने फैंसी टेक्निक्स और चीप टैक्टिक्स को रिजॉर्ट किया होता तो वी कुड राइट ऐसा थोड़ी है कि आता नहीं है वो सब करना बट इंटेंशन नहीं है वो करने की वो सबसे मेरा मतलब क्या है मेरा मतलब है टिप्स और कॉल्स तो ना कभी टिप्स और कॉल्स दी हैं ना कभी टिप्स और कॉल्स देंगे टी एफ एस राइट फ्रॉम डे वन इज डेडिकेटेड टू प्योर लर्निंग एंड टीचिंग अबाउट कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड साइकोलॉजी तो अब हम टेलीग्राम पर मूव ऑन कर रहे हैं एक्सपैंड कर रहे हैं मूव ऑन नहीं कर रहे हैं फेसबुक ग्रुप रहेगा तो इससे कुछ बदल नहीं जाएगा इससे टीएफएस का जो जो स्वरूप है जो उसका टीएफएस का फेस है वो बदल नहीं जाएगा ऐसा नहीं कि अब हम क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप इज एसोसिएटेड विद टिप्स कॉल्स तो ऐसा नहीं कि हम वैसे हो जाएंगे राइट वो वहां भी वैसा ही लर्निंग ओरिएंटेड ग्रुप ही रहेगा और ये एक वन वे चैनल रहेगा वन वे इसलिए बिकॉज यू नो यूनिफ आइल मेक इट मल्टी वेज टू देन इट विल बिकम अ मेस तो उस सब के लिए तो फेसबुक ग्रुप है ही जहां एवरीबडी कैन टॉक एनी बडी कैन पोस्ट एनीथिंग बट मैं यह चाहता हूं कि यू नो बाय मूविंग ऑन टू बाय एक्सपेंडिंग ऑन टू टेलीग्राम वी क्रिएट अ नॉलेज बैंक जहां पर यू नो इफ एनी बडी इज रिमोटली इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग एंड आज की डेट में ना इशू इज नॉट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इशू इज लैक ऑफ राइट इंफॉर्मेशन एंड द बिगर इशू इज अबंडेंस ऑफ अबंडफॉर्मेशन एक, एक नया नया कोई बिगनर आता है उसको पता नहीं है कहां से शुरू करूं कहां से ना करूं Uh, किस चीज़ को एक्सेप्ट करूं किस चीज़ को रिजेक्ट करूं कुछ नहीं पता तो टी हमेशा से आपको पता है कि एक इस इस कंफ्यूजिंग वर्ल्ड uh, में एक ऐसी दुनिया में जहां पर हर कोई ट्रैप करने में लगा हुआ है एक हमेशा एक पोल स्टार रहा है हमेशा एक रास्ता दिखाने वाला वाला सितारा रहा है हमेशा से तो यहां भी मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि वी एंड अप क्रिएटिंग अ नॉलेज बैंक जिसमें ट्रेडिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड लाइफ से रिलेटेड माइंड मैनेजमेंट से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड मेंटल मॉडल से रिलेटेड सक्सेस से रिलेटेड परसेप्शन से रिलेटेड आपसे रिलेटेड राइट हर चीज से रिलेटेड एक एक नॉलेज बैंक क्रिएट हो अच्छा प्लस दूसरी बात क्या है कि एक टेलीग्राम में एक सेंस ऑफ इमीजिएटनेस है फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में कोई कोई ख्याल आया जो मैं आपसे अभी शेयर करना चाहता हूं तो आई कैन आई कैन इमीजिएटली गो टू चैनल एंड यू नो स्टार्ट रिकॉर्डिंग एन ऑडियो मे बी अ वन मिनट ऑडियो मे बी अ टू मिनट ऑडियो मे बी अ टेन मिनट ऑडियो मे बी अ ट्वेंटी मिनट ऑडियो राइट डिपेंडिंग अपॉन मैं क्या कहना चाहता हूं कितना कहना चाहता हूं ये फेसबुक पर पॉसिबल नहीं हो पाता एट टाइम्स तो उसके लिए मैं क्या करता हूं फिर मैं वेट करता हूं कि यार थोड़ा टाइम मिलेगा तो एक पोस्ट बनाएंगे अब वो एक वो चैलेंजेस रहते हैं प्लस जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयरन टीआईसी ऑल्सो टी आई सी इज बेसिकली एन ऑफ शूट ऑफ टी एफ एस सो टी एफ एस इज अ फ्री प्लेटफॉर्म राइट एंड इवन उस फ्री प्लेटफॉर्म को भी अगर आप खंगालेंगे ना एक्सप्लोर करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए सब कुछ है इतने काउंटलेस पोस्ट काउंटलेस ट्रेडिंग थ्रेड्स काउंटलेस साइकोलॉजी पोस्ट बहुत कुछ हो चुका है छह सालों में तो कोई भी जो एक्चुअली में सच्चा लर्नर होगा ना अगर वो अंदर घुसेगा घुसना चाहेगा तो उसको मोती मिलेंगे ओनली द डीप डाइवर्स गेट द स्टफ राइट तो एनी anyway, तो ऑलरेडी uh, वो सब है तो टी का एक ऑफ शूट है टी आई सी द इनर सर्कल बाय निशांत अरोड़ा जो कि मैं हूं वी स्टार्टेड दैट ऑलमोस्ट उसको भी चार साल होने वाले हैं एंड आई एम रनिंग थर्टीन फोर्टीन बैचेज राइट नाउ हर बैच एक अलग अलग स्टेज ऑफ एवोल्यूशन पर है तो इट टेक्स ऑल ऑफ माई टाइम वहां पर बहुत इंटेंसिव काम होता है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव काम होता है लाइव कमेंट्रीज होती हैं ट्रेड थ्रेड्स होते हैं रियल टाइम वर्क होता है कंसेप्चुअल वीडियोस कंसेप्चुअल ऑडियोस मैं मतलब आप किसी भी टी से पूछिए वो आपको बता पाएगा बताते भी हैं कई टेस्टिमोनियल्स आपने देखे भी होंगे तो मेरा सारा दिन जो है ना वो वहीं निकल जाता है और एंड इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू मार्केट्स इट्स रिलेटेड टू लाइफ एवरीथिंग एवरीथिंग मतलब वॉट एवर इज नीडेड टू मेक यू टू मेक वन पर्सन, यू नो सक्सेसफुल पर्सन नॉट जस्ट इन ट्रेडिंग बट ओवरऑल मतलब लोग मुझे मैसेज करते हैं ये कहने के लिए कि सर ट्रेडिंग तो अलग चीज है मुझे अपने प्रोफेशन में सक्सेस मिल रही है मुझे अपनी लाइफ में मैं बेटर हो गया हूँ रिलेशनशिप्स में बेटर हो गया हूँ मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं चेंज हो गया हूँ तो जब मुझे ऐसी चीजें मिलती हैं ना तो आई आई गेट वेरी हैप्पी तो आइडिया ये है कि ये चीजें ना बहुत जल्दी हो पाएंगी टेलीग्राम पर क्योंकि मैं सारा दिन वहीं हूं टीआईसी की वजह से एक तो ये दूसरा जैसे मैंने बताया कि मुझे कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करना है या कुछ भी आपसे कहना है तो मैं इमीजिएट कह पाऊंगा ये एक आइडिया था तो अब हम टेलीग्राम पर भी हैं आएंगे और आई रिक्वेस्ट यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू स्प्रेड द वर्ल्ड जितने लोग हो सके आपके आपके रेलेटिव आपके फ्रेंड्स आपकी फैमिली इज इंटरेस्टेड एंड यू नो वॉट टी एफ एस इज टी एफ एस में कोई शॉर्टकट नहीं है टी एफ एस में कोई ऐसी बात नहीं है कि ये स्टॉक ले लो वो स्टॉक ले मैं हमेशा से इस चीज के बहुत खिलाफ रहा हूं ये ऐसा थोड़ी है कि हम ये कर नहीं सकते एक एग्जाम देंगे रजिस्टर्ड हो जाएंगे और फिर ये बोलने लग जाएंगे बट ये करना नहीं है उस इसलिए नहीं करना है क्योंकि वन इट मेक्स यू हैंडी एंड टू होता क्या है कि uh, हर किसी की अपनी कैपिटल अपनी रिस्क कैपिटाइट अपना स्टाइल अपनी पर्सनैलिटी अपने गोल्स अपने टाइम फ्रेम्स होते हैं अब इस सिचुएशन uh, में क्या है कि लाइट चली गई है ना मगर ये कैंडिडेट बात कर रहे हैं हम हम कोई मेकअप मेडअप बात नहीं कर रहे हैं कि लाइट चली गई तो एडिट करेंगे।, करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो इस स्थिति में होता क्या है इस स्थिति में होता यह है कि मान लो मैंने आपको कोई स्टॉक बताया मैंने कुछ कहा कि ये स्टॉक है ये लेवल है आपको नहीं पता उसको मैनेज कैसे करेंगे कहां तक मैनेज करेंगे कब बढ़ाएंगे कब घटाएंगे कब काटेंगे यू नो नथिंग तो इट्स नॉट द राइट वे नॉट द राइट अप्रोच टू गो अबाउट इट इसलिए शुरू से डे वन से हम प्रॉपर लर्निंग की तरफ काम करते हैं दैट इज वन एंड सेकेंड इज दिस प्लेटफॉर्म यू नो दिस टी एफ एस टेलीग्राम प्लेटफॉर्म दैट नाउ वी आर एनेबलिंग इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी markets. इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी TA. It's इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी ट्रेडिंग इट्स गोइंग टू कवर एवरीथिंग बिकॉज आई फंडामेंटली बिलीव आई believe बिलीव दैट अनलेस यू बी यू कैन नॉट डू आप स्क्रीन के सामने और ऑफ स्क्रीन दो अलग अलग लोग नहीं हो सकते अब लोग कहते हैं कि सर मैं ट्रेड कर रहा हूं ट्रेड में ना ऐसा हो जाता है मैं ये नहीं कर पा रहा मैं पेशेंट नहीं रह पा रहा तो यार जब आप अपनी लाइफ में ही पेशेंट नहीं हो आप ट्रेडिंग में कैसे हो जाओगे ऐसा कैसे हो जाएगा कि आप हो तो ये ट्रेडिंग में आप ही हो जाओगे ऐसा नहीं होगा तो एनी ट्रेडिंग प्रोग्राम एनी कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेडिंग प्रोग्राम हैज टू अकोमोडेट दिस पार्ट ऑल्सो जहां पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पिक्चर में आए जहां पर माइंड मैनेजमेंट पिक्चर में आए जहां पर परस्पेक्टिव डेवलपमेंट पिक्चर में आए जहां पर लाइफ का परस्पेक्टिव पिक्चर में आए तो ये जो ये जो हम अभी प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं ये इट विल कवर एवरीथिंग थर इट विल बी ए नॉलेज बैंक राइट एज ए सैड तो जिसको भी इंटरेस्ट होगा ट्रेडिंग बिजनेस में ट्रेडिंग वर्ल्ड में टीए में ही कैन जस्ट यू नो गो थ्रू इट एंड आई सीक यूर लव एज ऑलवेज जैसा आपने टी एफ एस फेसबुक ग्रुप में इतना प्यार दिया है वैसा ही यहां भी दें एंड वील डू सम ग्रेट वर्क राइट थैंक यू